हेलो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है घर से और अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। और ये आ चुकी है मेरी मम्मी और ये आई बड़ी वाली दीदी जो कर रही है साड़ी ठीक अपनी, क्योंकि ये मेरे साथ जा रही है शॉप पे। तो मैंने कहा चलते हैं शॉप पे घुमा के लाती हूँ। तो वो जा रही है तो अभी वो लगा रही है साड़ी, मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वो पिन लगा रही है अभी। और बेटा मेरा जा चुका है नीचे और ये है मार्टिन भाई साहब जो हबड़ा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हबड़ा रहे हैं, ये परेशान है कि भाई मेरे को साथ ले लो। इसको इतना अच्छा लग रहा है, इतना तांडव किया है जब मम्मी और मौसी आई हैं इसकी, इतना तांडव किया है इसने। एक घंटा हमारे साथ नाचता रहा, अब जाके थका है ये। तो अब इसकी लग चुकी है पिन ये। इनको तो आप जानते ही हो, ये है मेरी बड़ी बहन जो मेरे उस वाले ब्लॉक में, बड़े वाले ब्लॉक में थी। तो ये आई हैं आज मेरे से मिलने, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले आई थी मेरे घर पर। उस दिन तो मम्मी के पास गई थी मैं मिलने, आज ही आई हैं। तो अभी इनको जा रही हूँ दुकान पे लेके, इनको दिखाऊंगी शॉप और थोड़ी सी मार्केट घुमाऊंगी। तो मैं इनको कह रही हूँ कि जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, क्योंकि ये आई हैं। आने के बाद में चाय पानी पिया, खाना खाया है और ये आई हैं। ये इनकी सांभी, ये मेरी सांभी है, ये बेटी जो इसको आ रही नीनी नीनी। और ये देखो कैसे सो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक चुकी है। इसने सारा प्रसाद बनाया है कंचका का। ये मम्मी उत्तम नगर से आई है कंचका बिठा के, और ये उठी थी सबसे पहले और इससे सारा प्रसाद बनवाया मम्मी ने और इसकी ये मम्मी ने और नानी ने, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा थकी पड़ी है। ये देखो कैसे खराटे मार के सो रही है। और मार्टिन को चैन नहीं पड़ रहा, मार्टिन सोच रहा है कि मैं इसको जगा दूँ। और मैं मार्टिन को डांट दिया 4 बार कि मार्टिन बिल्कुल नहीं जाएगा, मार्टिन बिल्कुल नहीं जाएगा। और अब हम निकलने की कर रहे हैं तैयारी। अब हम निकल गए घर से और मेरे फ़ोन में लग गया था लॉक और मैं डर गई कि लगता है अब तो हम लोगों की वीडियो नहीं बन पाएगी, लेकिन शुक्र करो खुल गया। तो हमने पकड़ी 11 नंबर की बस, क्योंकि मम्मी से बोल रही हूँ मम्मी ई रिक्शा कर लेते हैं, लेकिन मम्मी और ये दीदी मना कर रही हैं कि रहने दो, छोड़ो घूमते घूमते चलेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, चलो घूमते घूमते, वरना रिक्शा कर लेते ना तो फिर ठीक रहता, क्योंकि 10 मिनट हमें पैदल पैदल लगेगा। 10 मिनट का टाइम वो टाइमिंग होता है हमारे घर से लेके दुकान तक के पहुँचने का। तो ठीक है कोई बात नहीं, पैदल पैदल चलेंगे। और इन्होंने सानवी को उठा लिया इन्होंने गोदी में, और सानवी की नींद बहुत ही खराब। सानवी देख ये कहानी है इनकी। इसने कर दिया सारा सामान सेट और मैं दुकान में पहुंच चुकी हूँ, अभी जा रहा है। ठीक है बेटा जाओ, बाय, शाम में देख लियो जल्दी। हाँ ठीक है, नहीं अभी झाड़ू नहीं लगी, इन्होंने सारा सेट कर दिया और झाड़ू अभी लगाई नहीं इसने। मैक कह रही मेरे से झाड़ू लगेगी, इस तरह पेट में दर्द। तो मैक चल तू बैठ जा, मैं लगा दूंगी झाड़ू। और ये पहले आ चुकी थी और यहाँ है जानवी, है सानवी, मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार में इसका, सानवी। ये आ गई सानवी, ये आ चुकी है शॉप पे। बस इसका हो रहा शर्माना, अभी इसका शर्माना खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि इसको शर्म लग रही है, इसको शर्म लग रही है। ये देखो सो के नींद पूरी कर ली थी। ये देखो, और अपनी मम्मी को कितना परेशान करती है, देखो कितना परेशान करती है अपनी मम्मी को शानवी। अब हम लोग आ चुके हैं, अब लगाऊंगी झाड़ू पोछा और पूरा डस्टिंग करूंगी, क्योंकि बेटे ने तो और बेटी ने तो ऐसे सामान वान पूरा सेट कर दिया। अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, मार्केट जा रही है मेरी बड़ी वाली सिस्टर। ये कह रही है कि मेरे को कुछ खरीदना है, तो इनको कुछ खरीदना है मार्केट से, तो कह रही है चलो घूम। और फिर इनको खरीदना है या नहीं खरीदना वो तो ये खुद ही देखेंगी, और मैं भी इनको ले जा रही हूँ घुमाने के लिए। थोड़ी सी हमारी मार्केट दिखा देते हैं यहाँ की जो दुकानें हैं सारी। और ये देखो ये हो चुकी है रेडी, सानवी हो चुकी है रेडी। और इसने लिया है ये चीज़ बोल, ये जब से पीछे पड़ी है कुरकुरे बिस्किट ही खा चुकी है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितनी खुश है। और ये यहाँ खड़ी है मम्मी, मम्मी बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। अब हम जा रहे हैं मार्केट, तो अब देखते हैं कि भाई इनको क्या ये खरीदेंगी क्या नहीं खरीदेंगी। और भाई मैं अपनी क्लिप भी देखूंगी बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी थोड़ा फ़ोन है ना मार्केट में आप कम निकाला करो, आपका फ़ोन कोई निकाल के भाग गया ना तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो इसीलिए मैं देखूंगी मेरे को लगेगा तो मैं क्लिप बनाऊंगी जो ये खरीदेंगे, वरना नहीं बनाऊंगी। अब आए हम लोग साड़ी देखने, साड़ियाँ भी खरीदी थी पसंद, क्योंकि उनको लेनी है 2 साड़ी, इसीलिए अब आ गए शॉप के अंदर और जिनको दिखा रहे हैं। अब हम निकल गए यहाँ से साड़ी वाले की शॉप पे, मम्मी इनको दिलाने गई थी दीदी को कि चल भाई इतने दिनों बाद में आई है तो चल साड़ी, एक साड़ी और ले ले।
और समझ में नहीं आई हमें तो, हमने खूब देखा लेकिन समझ में नहीं आ रही, तो अब जा रहे हैं दूसरे की शॉप में, देखते हैं वहाँ पे कैसी पसंद आती है इन लोगों को। अब हम घुसे हैं दूसरे वाले में, यहाँ देखते हैं यहाँ पे साड़ी पसंद आती है कि नहीं आती। अगर नहीं पसंद आएगी तो ये मम्मी ले जाएगी इनको और वहीं उत्तम नगर ही दिलाएगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इनकी पसंद देख देख कर। ये दिखा रहे हैं साड़ी, अच्छे अच्छे कलर दिखा दो, डार्क डार्क सब अलग लगाएंगे, देखो ना जैसे डार्क भी आ जाएंगे इसमें, बाकी सारे डार्क वगैरह ही आ जाएंगे इसमें। ठीक है, फाइनली आ चुकी है इनको ये पसंद, लिए ये ग्रीन कलर की और ये लिए पिंक कलर की, ये दोनों फाइनल। हम लोग भाग भाग के और मम्मी की हो गई हालत खराब, देखा और ये देखो ये तो पूरी गीली हो गई और ये भी गीली हो गई, ये चटंकी भी सानवी भी गीली हो गई, और देखो सारे भाग भाग के आए। ये लोग इतने खराब हैं, इन लोगों को तो पसंद ही नहीं आती भाई चीजें इन लोगों, मम्मी के साथ तो वैसे मार्केट नहीं जाना चाहिए मम्मी तो भाई। एक बार मम्मी गई है मेरे साथ सापरा, ठीक है गांव ले गई मैं इसको राजस्थान में, और इसको साड़ी दिखा दिया भाई पूरा गांव घुमा दिया, लेकिन इसको बंदी को साड़ी पसंद नहीं आई, तो मम्मी की तो पसंद है लाजवाब, लाजवाब पसंद है मम्मी की, मम्मी की तो बात ही आना ही नहीं चाहिए, तो इसको एक भी साड़ी पसंद नहीं आई है, लेकिन फिर भी इसने दो साड़ी भाई को दिला दी कि चल भाई ले ले, तो इसको तो पसंद आया, मेरे को भी ठीक ठाक लगी पर इसको नहीं आई, बहुत नखरेबाज है मेरी माँ भाई। जब ये खरीदी है इसने दी है एक ये पिंक पिंक कलर की और एक ब्लू वो गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर की तो ये लिए, और बच्चों के कपड़े लेने गए थे इसके लिए कपड़े, तो चलो इसके लिए खरीद लेते कपड़े, तो वो भी नहीं पसंद आया हमें, तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और इतना ज़्यादा बारिश आ रही थी, भाग गए हम छोड़ के, अब देखें कल खरीदेंगे, कल खरीदेंगे इसके लिए कपड़े। चीची गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है, चीची गंदा है, गंदी है सामने गंदी है। और ये मम्मी देख रही है यहाँ पे लाने के बाद में क्या भाई पसंद में डाउट आ रहा है कि देख तो लूँ एक बार के ठीक ठाक है या नहीं है, अभी भी इसको डाउट है, तो ये कर रही है ठीक और हम हो गए पूरे गीले, ये देखो भाग भाग के आए, ये भी पूरी गीली हो चुकी है। मैंने लगाई है कैटल और ये लाई हूँ दूध की थैली, और अब हम बनाएंगे कॉफी, ये लाए हैं पाउच कॉफी के दो दो रुपए वाले, और मैं इनको ये मेरे से टॉयलेट अभी जाऊं के बाद में जाऊं कॉफी, और इनको भी आ रही है हंसी क्योंकि दोनों माँ बेटी बातें कर रही है ऐसी, और ये पूछ रही है इससे कि भाई पहले जाऊं बाद में, ये कह रही है कि अरे मम्मी कैमरे में आ जाएगी तू तो ये लोग कर रहे हैं बातें वॉशरूम जाने के लिए, तो ऐसा करो कॉफी पी के जाना फिर बाद में जाना, कॉफी पीने के बाद में है ना बारिश भी रुक जाएगी, और ये कर रही है कटिंग पैरों के नाखून की, क्या मम्मी तुम भी वो ले लो नेल कटर। मैंने डाल दिया इसमें दूध, मैंने कर दी चालू, मम्मी को नहीं हो रहा बर्दाश्त इसको आई है तो ये जा रही है कह रही नहीं भाई पहले सुसु करके आऊंगी ये कॉफी नहीं पी पाई, आप भी करोगे नहीं नहीं ये नहीं जा रही है, गरम नहीं मैं तो यही रहूंगी, और ये सफाई ये कर रही है सफाई, ये देखो ये सानवी सानवी भागी भागी मम्मी के पास, मम्मी के पास भागी सानवी, तो बोल गया दूध रख लिए मैंने कफ, मैंने डाल ली कॉफी कॉफी कफ में और चीनी इस तरीके से डाल दिए इसमें दूध गोल गप्पे खा के चले गया आज, बैठ जा गिर जाएगी और बढ़ देना। ये है सानवी का दूध, इसमें मिला दिया चीनी और ये पिएगी सानवी दूध, क्या हुआ मीठा नहीं है, ये ऐसे कह रही है इसके दूध में मीठा कम है, ओह मूछ आ गई, मूछ बन गई, मूछ मूछ बन गई, मूछ मूछ बन गई, पूजा उजा करने भी जा रहे थे तो ये बात तो है कि थोड़ा सा क्लीन से अच्छा लगता ना। हाँ अब मैं बना रही हूँ इनकी थ्रेडिंग, मेरी सिस्टर ही और पाउडर लगा के बिठा चुकी है उनको, और ये मम्मी को लग रही सर्दी क्योंकि ये बहुत ज्यादा गीली हो गई थी, सॉल उड़ा के उठा रखा है क्या मम्मी जब तो सूख जाएगी ले चलेंगे घर, और इसको कॉफी पिला के बिठा चुकी हूँ, और ये इनको लगा चुकी हूँ पाउडर, और इनकी बनेगी अब थ्रेडिंग, और ये देखो ये बैठी है ये सीखेगी ये ट्रेनिंग लेगी।
मोरिया हमारी निकलने की तैयारी और हम हमने कर लिया सामान पैक और ये दोनों सबसे पहले निकलेंगे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, इन दोनों को ऐसा लग रहा है कहीं मैं इनको छोड़ के ना चले जाऊं, इसीलिए इनको इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। अब मम्मी को लग रही है सर्दी, भगवान इसको सर्दी लग रही है, आपको भी चाहिए सॉल। अब मैं दूंगी इसको इसको सॉल, अच्छा स्टॉल दे दूं और मैं इसको दे देती हूँ स्टोर और हम निकलेंगे। और इसका मन है गोलगप्पे खाने का आज मेरी मम्मी का, क्योंकि ये कह रही थी मेरे को उत्तम नगर में मेरा मन हुआ था एक दो दिन पहले, तो मैं खाई नहीं कि बाई के यहाँ चलेंगे तो साथ खाएंगे, तो अब इसको खिलाऊंगी गोलगप्पे और ये भी खाएंगी गोलगप्पे और मेरा भी, मैं भी ले लूँगी एक छोटा स्मॉल। तो अब देखते हैं, पहले देती हूँ उसको स्टॉल, देखो ये मम्मी ने मम्मी को दे दी स्टॉल और इन्होंने इसको लगी सर्दी, ये भी ओढ़ने के तैयार हो रही है और मैक से खींच नहीं रहा है ये स्वेटर, और क्योंकि जंग लग गया बहुत ज़्यादा तो मैं करूँगी। अब हम निकल चुके हैं और मम्मी मम्मी और दीदी गई है आगे आगे भागकर, उनको बहुत जल्दी हो रही है जाने की और हमने पकड़ ली 11 नंबर की बस। हो सकता है हम रिक्शा करेंगे क्योंकि अभी देखते हैं वहाँ जाने के बाद में, क्योंकि थोड़ी सी दूर जाना पड़ता है पैदल, तो पहले गली से निकलते हैं फिर देखते हैं, रिक्शा करना पड़ेगा तो रिक्शा करेंगे वरना चलेंगे पैदल पैदल। और ये रवि पीछे, और इतना ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो रहा है, इतनी हालत ख़राब हो रही है, पूरा सूट मेरा तो इतना गंदा हो गया, आज तो मैं 2 बार बारिश में गीली हो चुकी हूँ। बैठो बैठो, हमने पकड़ लिया रिक्शा क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, इतना कीचड़ हो रहा है, हालत ख़राब हो रही है, मेरा तो सारा प्लाजो गंदा हो जाएगा, क्योंकि अगर जब गंदा हो जाता है तो इतना गंदा लगता है क्योंकि घर में जाकर भी खाना बनाना है, तो इसीलिए हमने कर लिया ई रिक्शा में हम चारों जगह घुस चुके हैं। और मम्मी मम्मी को लग रही है सर्दी, अब हम लोग उतर गए ई रिक्शे से और चल रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ से लगेंगे हमें 5 मिनट घर पहुँचने के लिए, तो हम घर ना पहुँच के खाएंगे गोलगप्पे खाने जा रहे हैं हम लोग। आज गोलगप्पे पार्टी है हमारे यहाँ की, हम लोगों की मतलब, आज गोलगप्पा पार्टी देंगे, मम्मी दे रही है, मम्मी दे रही है हम लोगों को, हम तीनों को, महक को और ये मानवी सानवी को और ये बड़ी सिस्टर को और मेरे को, आज मम्मी की तरफ से पार्टी है गोलगप्पा पार्टी। लोग आ गए गोलगप्पे वाले भैया के यहाँ पे, अब खाएंगे, लाइन लग चुकी है हमारी, पहले ये खड़ी हुई है फिर मम्मी और ये खड़ी है, मैं नहीं खड़ी, एक तो ले लियो चखे मम्मी, हम दोनों चखेंगे और बाकी तीन लोगों को लगा बहुत ज़्यादा। खाएंगी बल्ले पापड़ी, ये इनका प्लान चेंज हो गया, पहले गोलगप्पे खाने के लिए रेडी थी और अब खाएंगी ये और ये भी। मम्मी लग चुकी है लाइन में और भैया छोटे छोटे देना बिल्कुल मीठा करके, और ये खा रही है अभी, ए मम्मी फोड़ दे तूने तो, ये खा रही है, खा ले खा ले। ये है मेरा भाई, ये सूखा बिना पानी खा चुके हैं और यहाँ से निकल गए और ये करा दिया पैक, ये इन्होंने ले लिया, उनसे खाया नहीं गया तो इसको कर दिया पैक और अब घर जाके खाएंगी ये। अब हम लोग आ गए हमारी गली में और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और इतना कीचड़ हो रहा है कि अब बारिश के टाइम पे कीचड़ नहीं होगा तो क्या होगा। अब बजाते हैं घंटी और बनाएंगे चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, वो तो शुक्र हो रहा कॉफ़ी पी ली थी बना के तो उससे थोड़ी सी राहत मिल गई हम लोगों को, बनाएंगे चाय चल के। लेकिन और ये हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान आज, क्या हुआ क्या हुआ, ये देखो मार्टिन को, मार्टिन को देखो, नानी मौसी को ऐसे ऐसे परेशान कर रहा, देख बस देख, ये देखो ये देखो ये देखो ये देख, नानी। बन गई मेरी करेले की सब्जी, गूंद गया मेरा आटा, छड़ा दिया तवा, मैं आटे के साथ लग गई खाना बनाने और मैंने बना ली करेले की सब्जी और आटा गूंद दिया तवा छड़ा दिया और इन लोगों को दीदी को और मम्मी को पिला दी चाय पानी सब कुछ, नाश्ता वास्ता नहीं शाम तो शाम का नाश्ता वास्ता सब कुछ मैंने करा दिया है
और अभी वो बैठी हैं, उनके लिए चला दिया टीवी। मैंने कहा आप लोग न्यूज़ देखो और मैं फटाफट खाना बना के उनको पकड़ाऊंगी। उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे को भूख नहीं है, हम तो एक एक रोटी खाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, एक एक रोटी खा लो, क्योंकि वो आज रामनवमी थी तो वो भंडारे में भी खा के आए हैं और घर पे भी खाना प्रसाद बना था, उससे पेट हो रखा उनका फुल। लेकिन फिर भी मैंने ये बोला, मैंने कोई बात नहीं, एक एक रोटी और करेले की सब्जी खा लेना, जब भूख लगेगी तो मैं देखती हूँ, मार्टिन को खिलाती हूँ, मार्टिन के पापा को खिलाती हूँ, जब तक फिर उनको भूख लग जाएगी तो उनको खिला दूंगी, बना दूंगी। कितना टाइम लगेगा? ये लोग लेटे हैं यहाँ पे और न्यूज़ देख रहे हैं, और मम्मी को देखो, ये लेटी और ये देखो, ओहो, और ये बैठी हुई है, और ये मार्टिन, इसको देखो, मेरी मैक मार्टिन मार्टिन, क्योंकि मैक का नाम और मार्टिन का नाम एक जैसा है तो मैं हो जाती हूँ कंफ्यूज इनको बोलने पे। और ये लोग लेटे पड़े, इनके लिए बना रही हूँ मैं रोटी, जाके उनको खाना वाना खिला के फिर हम लोग साथ बैठेंगे। अब मेरा बन गया खाना और खा चुके हैं हम लोग, अब बस कपड़े चेंज करेंगे और सोएंगे। और उनके लिए मम्मी और दीदी देख रही है मूवी, मेरे को चलो थोड़ी देर देख लेते हैं। और मेरे को ये बहुत ज़्यादा थकावट, और आँख के नीचे देखो कितना काला काला, ये मतलब कोई दाना हो गया मेरे भी, कोई मच्छर खा गया तो उसकी वजह से आँखों के नीचे आ गया काला काला अजीब सा, क्योंकि मैंने ऐसे खुजली कर ली। तो मैं धोंगी, करूँगी फेस वॉश और फिर टॉनिंग करूँगी और फिर सोऊँगी। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।